अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्स? चलिए तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन कहता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन क्या कहता है? द रिबाउंसिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कहा जाता है when light emit from the source and rebounds from an object, जब कोई भी light किसी source से आता है और किसी object पे टकरा कर rebounds करता है। कैसे हो रहा है? Source से आया light और किसी object से टकराया और फिर टकराने के बाद rebounds किया, ऐसे आया rebounds किया। देखिए यहाँ पे ये object, ये क्या है? सन वाली, ये एक तरह का सोर्स है, एक तरह का सोर्स है। और यहां सोर्स से ये रे दिया और ये रे जाके कहां से रिबाउंस किया, ये रे आया रिबाउंस किया, ये रे आया रिबाउंस किया। इस तरह से हम किसी सरफेस को डिनोट करते हैं। इस क्या है? सरफेस। ये क्या है? सरफेस। और ये रे वन रे टू रे थ्री, इस तरह से ये रिबाउंसिंग हुआ। ये जो फेनोमेनन हो रहा है, ये सरफेस से टकरा कर वो ऊपर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं रिबाउंसिंग। द रिबाउंसिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोसेस कॉल्ड रिफ्लक्स, इट्स कॉल्ड रिफ्लक्स। जस्ट ये सोर्स से लाइट आया और टकराया, टकराने के बाद ये रिबाउंस किया है, उसी को हम रिफ्लेक्स कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए ये सरफेस किस तरह का होगा। इसमें एक दो और क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, व्हाट इज रेगुलर सरफेस और व्हाट इज इरेगुलर सरफेस। तो हम बात करते हैं व्हाट इज रेगुलर सरफेस और व्हाट इज इरेगुलर सरफेस। यहां तो रिफ्लेक्शन के बारे में हुआ, मगर ये रिफ्लेक्शन किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को शो करेगा, तो इसके सरफेस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सरफेस कैसे डिपेंड करेगा ये हम देखिए। अगर हम देखते हैं जब हम बात करते हैं सरफेस का, तो सरफेस दो तरह का होता है। रेगुलर इरेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस कैसा दिख रहेगा? तो मजबूत। और ये रेगुलर सरफेस कैसे दिखेगा? देख रहे हैं बहुत उबड़ खाबड़ लग रहा है, है ना? अब सोचिए यहां पर भी एक सोर्स है एस वन से, यहां पर भी एक सोर्स है एस टू से। सोच लीजिए अगर इस सोर्स से लाइट आ रहा तो ये सीधे चला गया, इस सोर्स से लाइट आया ये सीधे चला गया, ये सोर्स से लाइट आया सीधे चला गया। अब इसमें देखिए इसमें क्या कंडीशन आता है, ये सोर्स से लाइट आया यहां तो ये किधर जाएगा? ऐसे चल जाएगा। ये सोर्स से लाइट आया तो ये ऐसे चल जाएगा, ये लोड सोर्स से लाइट आया ऐसे भाग जाएगा, ये यहां आया ऐसे चल जाएगा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि रेगुलर सरफेस पर रिफ्लेक्शन किस तरह से हो रहा हुआ और इरेगुलर सरफेस पर रिफ्लेक्शन। ध्यान रखिएगा रिफ्लेक्शन, हम रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, LECTION रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? सरफेस पर। सरफेस
तो हम रिफ्लेक्शन नंबर है द रिबाउंसिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो ये जो रिबाउंसिंग हुआ, एक तो बाउंस रिबाउंस हुआ, तो रिबाउंसिंग जो होता है तो दो सरफेस तरह हो सकता है। तो ये एक तरह क्या है रेगुलर सरफेस, ये है इरेगुलर सरफेस। इसमें एक पांचवा क्वेश्चन भी जरूरी जुड़ जाता है, व्हाट इज रेगुलर सरफेस व्हाट इज इरेगुलर सरफेस। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या हुआ। अगर हम बात करते हैं कोई ऐसा मटेरियल जो कि वो लाइट उसके अंदर भी जा सके, वो लाइट उसके अंदर भी जा सके। सोचिए अगर कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं ऐसा कोई मैटर का, ये क्या है मैटर, ये क्या है एक मेटल ले लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं, ये हमारा क्या है ग्लास, ये है मेटल और ये है ग्लास। तो मेटल पर अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट साथ में है, यहां पर साथ में है, अगर यहां से सोर्स S1 और ये S2, सोर्स का नाम देते S1 S2, और यहां से जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर जाता है मैटर बॉडी, तो ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, क्या रिफ्लेक्ट, क्या बस। अब ग्लास का बात आता है, तो अगर इसमें अगर रिफ्लेक्शन होता है, अगर यहां पर कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी करता है यानी कि रिबाउंस भी करता है, और कुछ लाइट क्या होता है पार भी कर जाता है, तो हम देखते हैं कुछ लाइट जो रिफ्लेक्ट किया है यानी कि वो रिबाउंस किया है, और जो रिबाउंस नहीं किया है उस कंडीशन में आता है। देखिए तो कुछ लाइट जो रिबाउंस कर रहा है, कुछ लाइट रिबाउंस किया है, उसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं और जो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं किया है, जो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं किया है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए ये क्या है रिफ्लेक्शन का कंडीशन है, ये क्या है रिफ्लेक्शन का कंडीशन है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसी भी सोर्स से कोई लाइट इमिट करता है और इमिट करने के बाद किसी मेटल बॉडी से टकराकर 100% लाइट का सारा रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन ये रिबाउंसिंग हुआ तो सारा का सारा क्या बताए रिफ्लेक्शन होता लाइट। बल्कि जब हम किसी ऐसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं ग्लास, तो ग्लास में पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है, अब पार्शियली क्या होता है दूसरे मीडियम में चला जाता है, तो बात होता है तो रिफ्लेक्ट किया उस लाइट को तो मालूम है कि वो रिफ्लेक्शन हुआ, मगर वो जो पार्शियली दूसरे मीडियम में चला जाता है तो उसको हम क्या करते हैं वो जानते हैं। व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम वी कॉल रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, वी कॉल द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। सो जो दूसरा पार्ट है वो रिफ्रैक्ट कर रहा है, रिफ्रैक्शन कर रहा है, और ये रिफ्रैक्शन कुछ एंगल घटते बढ़ते रहता है, वो किस पर डिपेंड करता है वो जो मीडियम है रियर या डेंसर होता है तो कुछ एंगल घटते बढ़ता है, नॉर्मल से कुछ एंगल घटते बढ़ते रहता है नॉर्मल, ये जो सीधे जाने चाहिए तो ये कुछ ऊपर चल जा सकता है, ये कुछ ऊपर चल जा सकता है यहां से, या कुछ नीचे आ जाए, ऐसे
घटते घटते रहता है, मगर इस पर डिपेंड करता है मीडियम, वो मीडियम कैसा है, रेयर है या डेंसर है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि रेयर डेंसर क्या होता है। ठीक है, तो यहां तक खत्म हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं अगला क्वेश्चन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइट, लाइट का करेक्टरिस्टिक और लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है,